हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आरके डिस्कवरिंग इंडिया में, और मैं हूं आपका दोस्त रमन। तो दोस्तों, आप में से काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है शेंगेन वीज़ा से रिलेटेड, तो इसी कड़ी में मैं आज एक नई वीडियो बनाने जा रहा हूं कि अगर आपको भी शेंगेन कंट्री विज़िट करनी है, अगर आपको फ्रांस विज़िट करना है, तो आप एप्लीकेशन कैसे फिल कर सकते हैं। और अगर आपने दोस्तों मेरी पुराने वाली वीडियोज़ नहीं देखी है, कि मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई है शेंगेन वीज़ा के ऊपर, कि शेंगेन वीज़ा कैसे अप्लाई करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कवर लेटर कैसे लिखें, इटनरी कैसे बनानी है, और मैं जो मेरी यूरोप सीरीज है उसके भी वीडियोस मैं अभी डाल रहा हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप मेरा इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है RK Discovering India। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको फ्रांस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं फ्रांस वीज़ा के लिए, शेंगेन वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको google.com ओपन करना है, और गूगल पे आपको सर्च करना है फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों, अपने को जाना है इसमें जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है france-visas.gov.fr। तो अपने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों। ये वेबसाइट आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार क्या होती है, फेक वेबसाइट भी होती है जो कि आपको मिसगाइड करती है। तो हम क्लिक करेंगे इस लिंक के ऊपर। तो अब ये ओपन हो गई है फ्रांस वीज़ास, द ऑफिशियल वीज़ा वेबसाइट फॉर फ्रांस। तो इसके अंदर जब हम नीचे आएंगे तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, डू यू नीड ए वीज़ा, स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन, सबमिट योर एप्लीकेशन, ट्रैक योर एप्लीकेशन। तो दोस्तों, अगर आपको शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है या आप फ्रांस जाना चाहते हैं, तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। और मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि हमें फॉर्म भरना नहीं आता, हम फॉर्म कैसे भर सकते हैं, या काफ़ी डाउट्स आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसके अंदर। तो अब हमें जाना है स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर, बिकॉज़ हमें ऑलरेडी पता है कि हमें वीज़ा चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टार्ट योर वीज़ा एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इसमें आने के बाद यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ गए हैं, दिस इज़ योर फर्स्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे है एक्सेस द वीज़ा एप्लीकेशन। तो दोस्तों, वीज़ा एप्लीकेशन भरने के लिए सबसे पहले अपने को इसके ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो अकाउंट मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसमें क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है अकाउंट क्रिएट करने के लिए। लेकिन इससे पहले आप क्या कीजिए, आपके पास अगर आपका जीमेल का अकाउंट है तो आप उसको यहाँ पे मतलब पहले लिए अपने ब्राउज़र के साथ आप ओपन कर लीजिए। ये मैं बंद कर देता हूँ। तो मैंने अपनी मेल आईडी यहाँ पे ओपन कर रखी है। तो अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ लास्ट नेम। अब दोस्तों, इसमें आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या होता है। तो मैं आपको गूगल पे एक पासपोर्ट का कोई दिखाता हूँ, इंडियन पासपोर्ट मैचेस। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, जैसे ये है कोई भी एक है। तो दोस्तों, आपके पासपोर्ट ऐसे दिखता होगा, और ऐसे पासपोर्ट में यहाँ पे सबसे पहले होता है सर नेम। दोस्तों, सर नेम होता है लास्ट नेम, और यहाँ पे दिया है गिवन नेम। गिवन नेम होता है आपका फर्स्ट नेम। तो दोस्तों, ध्यान रखना है आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या रहता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए फिल कर देता हूँ, लास्ट नेम गोयल, मेरा नाम है RK, ईमेल एड्रेस मैं मेरा डाल देता हूँ। दोस्तों, ये मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी नहीं है, तो मेरे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा इस ईमेल आईडी पे। योर इंडियन गाइड 01@gmail.com। लेकिन दोस्तों, आपको आपके इसमें वही ईमेल आईडी डालनी है जिस पे अगर आपको एम्बेसी आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो यहाँ पे भी ये रिपीट करनी है, योर इंडियन गाइड 01@।
और दोस्तों इसमें नीचे क्या पूछ रहा है, नीचे पूछ रहा है लैंग्वेज इन विच यू वांट टू कंप्लीट योर वीज़ा एप्लीकेशन, तो अपने इसमें इंग्लिश चूज़ करेंगे। और टेक्स्ट वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, ये समझ ही नहीं आ रहा दोस्तों क्या लिखा है, चेंज करते हैं इसको। ये आ गया 5843, 5843। दोस्तों यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों अब ये आ गया वेरीफाई ईमेल एड्रेस, तो दोस्तों आपने जो ईमेल आईडी दी है उसके ऊपर कोई कोड आएगा या कोई लिंक आएगा, ये देखो आ चुकी है सबसे ऊपर कंफर्मेशन दे वोटर एड्रेस ईमेल, कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। तो दोस्तों अगर आपको इस पे एप्लीकेशन भरने के लिए एक्सेस चाहिए तो ये आपको मेल भेज के कंफर्म करेगा कि आपने ईमेल आईडी सही डाली है। तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है, प्लीज़ कंफर्म योर ईमेल एड्रेस बाय क्लिकिंग द फ्लोविंग एक्टिवेशन लिंक। दोस्तों मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और ईमेल वेरिफिकेशन कोड, दोस्तों ईमेल वेरिफिकेशन कोड भी आपके ऊपर यहाँ पे आया हुआ है, ये रहा 8396C915। सो इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। अगर ये आपको ब्लैंक दिखे ये वाला, तो आपको सिर्फ जो ये वाला कोड है इसको आपको कॉपी पेस्ट करना रहेगा। तो इसमें ऑलरेडी फिल आ गया है तो मैं यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दूँगा। तो दोस्तों अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, दोस्तों ये वास्तव में ये है कि आपका जो पासवर्ड है वो 12 करेक्टर से कम का नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम एक डिजिट रहनी चाहिए, एक अपर केस लेटर, अपर केस लेटर मतलब बड़ा ए या बड़ा बी स्पेशल करेक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अपना क्या रखूँ यार, मैं रखता हूँ कैपिटल वाई, एट द रेट लगा देता हूँ, 1 2 3 कैपिटल वाई स्मॉल के अंदर मेरा पासवर्ड, अरे गलत लिख दिया, एट द रेट 1 2 3। दोस्तों मैंने इसमें कैपिटल लेटर भी ले लिया है, स्मॉल लेटर भी लिए हैं, एट द रेट भी लिया है, 1 2 3 भी लिया है, इसको मैं सेव करता हूँ, हो गया। तो दोस्तों अब आप लॉगिन हो चुके हैं, आप देखेंगे ऊपर मेरा नाम आ रहा है आर के गोयल। दोस्तों ये मेरा राइट नेम नहीं है, मैं सिर्फ एक आपको समझाने के लिए मैंने नाम चूज़ किया है, हालांकि आर के तो मेरा नाम ही है। मैनेज माई अकाउंट माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं चेंज माई अकाउंट, चेंज माई पासवर्ड, डिलीट माई अकाउंट, माई एप्लीकेशन, फाइंड योर प्रीवियसली सबमिटेड एप्लीकेशन। दोस्तों तो अपने पहली बार कोई एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ए न्यू एप्लीकेशन और ए न्यू ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन। तो दोस्तों अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप दो तीन दोस्त साथ में जा रहे हैं या फैमिली के साथ में जा रहे हैं, जो भी है आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आ गया यहाँ पे एक्सेस द वीज़ा एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये पहला, अब दोस्तों इसके तीन स्टेप्स हैं अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। पहला आपको फॉर्म फिल करना है, ये पूरा जब आप अपना भर देंगे जितने भी हैं, योर प्लान्स, इन्फॉर्मेशन, लास्ट वीज़ा, योर स्टे, योर कॉन्टैक्ट्स, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा वो, जो कि आपको VFS में जमा कराने होंगे, और वो अरेंज, ये दोनों चीज़ें अरेंज होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी VFS में, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद, डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद कुछ दिनों बाद आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला है इसमें आप देख सकते हैं योर प्लान्स, इफ़ यू विश यू कैन सेव योर प्रोग्रेस एट एनी टाइम, और प्लीज़ नोट अकॉर्डिंग टू योर फ्लाइट प्लान इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे नीड एन एडिशनल वीज़ा। तो दोस्तों अगर आप अपनी फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो इसमें वो ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपको शेंगेन वीज़ा के अलावा कोई ट्रांजिट वीज़ा भी लेना पड़े। तो चलो फॉर्म भरना शुरू करते हैं। करंट नेशनलिटी इंडियन, दोस्तों आप जहाँ से भी हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, या बांग्लादेश से हैं, या आप दुबई रहते हैं, तो आप सब, आपको अपनी कंट्री फिल करनी है, करंट नेशनैलिटी। डू यू जॉइन और ट्रैवल विद ए फैमिली मेम्बर फ्रॉम एन EU, ये दोस्तों इसमें नो करना है, क्योंकि आप अपने दोस्तों या फैमिली से मिलने नहीं जा रहे हैं, आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे नो आएगा। योर स्टे, योर स्टे प्लेस ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन,
आप अपनी एप्लीकेशन कहाँ सबमिट कर रहे हैं? मैं अपनी एप्लीकेशन इंडिया में सबमिट करना चाहता हूँ, तो मैंने इंडिया चूज़ यहाँ पे किया हुआ है। सिटी ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो आप इंडिया के कौन से शहर में आप जमा कराना चाहते हैं उसके ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर चंडीगढ़ में करना चाहता हूँ तो मैंने चंडीगढ़ में क्लिक कर दूंगा। अगर मुझे गोवा में करना है गोवा का क्लिक कर दूंगा, और न्यू दिल्ली में करना है तो न्यू दिल्ली, चलो मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ। अब इसमें दोस्तों दिखा रहा है वीज़ा टाइप रिक्वेस्टेड शॉर्ट स्टे, इसमें क्या क्या ऑप्शन है, शॉर्ट स्टे का है, लॉन्ग स्टे का है, एयरपोर्ट ट्रांजिट का है। अगर आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, नहीं तो अगर आप नॉर्मल ट्रैवल करना जाना चाहते हैं 7 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 15-20 दिन, 1 महीना, तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे शॉर्ट स्टे लेस देन 90 डेज़। मेन डेस्टिनेशन ऑफ स्टे, आप अपने ट्रिप के दौरान सबसे ज़्यादा कहाँ पे स्टे करेंगे, आप फ्रांस में स्टे करेंगे। दोस्तों नियम यही कहता है कि आप जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा दिन रुकेंगे आप उसी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों आप फ्रांस वीज़ा एप्लीकेशन ये जो पोर्टल है, या फ्रांस से आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी इटिनरी में आप दिखाएंगे कि आप फ्रांस में सबसे ज़्यादा दिन आप स्टे करने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे फ्रांस चूज़ कर लिया है, और फ्रांस के अलावा मतलब चूज़ नहीं कर पाएंगे कुछ, ये आपको फ्रांस ही चूज़ करना है। योर ट्रेवल डॉक्यूमेंट, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ द ट्रेवल डॉक्यूमेंट, ये दोस्तों आपकी पासपोर्ट की डिटेल आएगी इसके ऊपर। योर ट्रेवल डॉक्यूमेंट में इंडिया का पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, और डिप्लोमेट ऑफिशियल कुछ नहीं। अगर आप सीमेंस हैं, अगर आप नेवी में काम करते हैं तो यहाँ पे सीमेंस बुक का रहता है, नहीं तो आपको ऑर्डिनरी पासपोर्ट है। ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर, इसमें आपका दोस्तों पासपोर्ट का नंबर आएगा, पासपोर्ट का नंबर आपका जो भी है आप उसमें डाल देंगे। मैंने टेस्टिंग के हिसाब से VK 1 2 3 4 5 6 डाल दिया। डेट ऑफ इशू, आपका पासपोर्ट कब इशू हुआ था, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका 2019 अगस्त 1 में हुआ था, और एक्सपायरी डेट क्या है, एक्सपायरी डेट आपका जो होता है पासपोर्ट 10 साल का होता है, तो इस डेट के अकॉर्डिंग मेरा वीज़ा एक्सपायर होगा जुलाई के अंदर, 31 जुलाई। तो ये 10 साल के वैलिडिटी मैंने दिखा दी है यहाँ पे। दोस्तों आपको इसमें अपना ओरिजिनल डालना है, आपका पासपोर्ट इशू डेट क्या है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट क्या है, योर प्लान्स। दोस्तों आप टूरिज्म पर्पस से जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या मेडिकल रीज़न, ऑफिशियल वीजे, स्टडी, टूरिज्म, दोस्तों हमने टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, मेन पर्पस ऑफ स्टे टूरिज्म। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रोजेक्ट, दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इस पर लिखते हैं, इंडिकेट द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर स्टे प्रोजेक्ट। दोस्तों इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं कि आपका मेन पर्पस क्या है वहाँ पे ट्रैवल करने का, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कल्चर ऑफ फ्रांस बाय विजिटिंग। सर दोस्तों आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ इसमें क्या डालूँ, क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि इसमें कुछ डाल सकते हैं। आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कल्चर ऑफ फ्रांस बाय विजिटिंग, कुछ भी डाल दो आप, लाइक आप लिख दो कि कल्चर बाय विजिटिंग, कोई भी गांव का नाम लिख दो, मैं लिख दिया रिम्स। दोस्तों आपको कुछ नहीं पता तो ये डालना ज़रूरी नहीं है, आप इसको हटा दो, आप इसको मत ही लिखो, अगर आप कुछ गलत डाल दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको श्योरली पता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग क्या है कि कोई प्रोजेक्ट पे जाते हैं, प्रोजेक्ट इन द सेंस क्या है कि कुछ भी, अगर आप टूरिज्म के अलावा बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या मेडिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें डालते हैं ये चीज़ें। अगर आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म में वैसे आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं डाल रहा, मैं खाली छोड़ रहा हूँ वेरीफाई। अब दोस्तों क्या है, ठीक है, तो ये दिखा रहा है यू नीड ए वीज़ा। अच्छा, इसने इस आपने जो डिटेल भरी है इसके अकॉर्डिंग इसने बताया है कि आपको वीज़ा चाहिए चाहिए चाहिए, भैया हमें भी पता है तभी तो हम भर रहे हैं। चलो आगे दिखाओ क्या है, यू हैव एंटर्ड द ट्रेवल डॉक्यूमेंट नंबर VK 1 2 3 4 5 6, डू यू कन्फर्म दिस एंट्री, वंस यू रिक्वेस्ट इज वैलिडेटेड इट विल नो लॉन्गर। दोस्तों चेक कर लेना आपका ये जो पासपोर्ट नंबर आपने डाला है पासपोर्ट नंबर सही हो, क्योंकि अगर आपने यहाँ से अगर यस कर दिया है तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे और आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी बाद में। तो आगे बढ़ने से पहले ये पासपोर्ट नंबर
आपका सही होना चाहिए, आपने जो नेम दिया है नेम सही होना चाहिए, पासपोर्ट का इशू डेट एक्सपायरी डेट भी करेक्ट होना चाहिए। वंस योर रिक्वेस्ट इज़ वैलिडेटेड इट विल नो लॉन्गर बी पॉसिबल टू मॉडिफाई दिस नंबर। ओके यस हमें मालूम है। चलो अब आ गया है इसका सेकेंड स्टेप, योर इन्फॉर्मेशन। अब इसमें दोस्तों आपको डालना है आइडेंटिटी, सेक्स मेल हो या मेल फीमेल, मैं मेल हूँ, मेरे स्टेटस क्या है, मैं सिंगल हूँ, ये सिंगल है, लास्ट नेम ये क्या है, लास्ट नेम, एंटर योर करंट लास्ट नेम, मेरा लास्ट नेम है गोयल, GOYAL। लास्ट नेम्स बट प्रीवियस लास्ट नेम इज डिफरेंट। दोस्तों इसमें क्या डिफरेंस है आपको बता देता हूँ, ये वो है जिसकी शादी होने के बाद अगर लास्ट नेम चेंज हो जाता है तो पुराना जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बर्थ प्रीवियस लास्ट नेम, या क्या है कि दोस्तों ये आपकी वेरिफिकेशन में काम आता है, या आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपके अलग अलग लास्ट नेम हैं तो उसमें ये चीज़ हेल्प करती है। तो दोस्तों मेरी शादी नहीं हुई है, मैं लड़की भी नहीं हूँ, मैं लड़का हूँ, मेरा लास्ट नेम चेंज नहीं होता इंडिया के अंदर, जनरली लड़कों का लास्ट नेम चेंज नहीं होता, तो मेरा एक ही लास्ट नेम है गोयल, मैंने गोयल डाल दिया। ऑब्लिगेटरी फर्स्ट नेम तो मैंने डाल दिया आर के। डेट ऑफ बर्थ इसमें डालना है दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ 25/12/1990। प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरा है चंडीगढ़। दोस्तों जहाँ भी आपका बर्थ ऑफ प्लेस है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपकी पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए। दोस्तों दोबारा बता रहा हूँ, गलती मत कर देना, कंट्री और टेरिटरी ऑफ बर्थ, मेरा जन्म हुआ चंडीगढ़ में तो मैं इसमें चंडीगढ़, नो सॉरी, कंट्री पूछ रहा है तो इंडिया, करंट नेशनलिटी इंडियन, नेशनल आइडेंटिटी नंबर। दोस्तों अपने पास वैसे नेशनल आइडेंटिटी नंबर नहीं है, लेकिन जैसे कि आधार कार्ड है उसको भी हम यूनिक आइडेंटिटी नंबर मानते हैं, तो इसमें आप आधार कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें डाल देता हूँ आधार कार्ड नंबर। नेशनलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंस, तो हम तो जन्म से भारतीय हैं तो मैंने भारतीय, अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मूव हो गए हैं अपनी कंट्री से, तो अगर आप इंडिया से फॉर एग्जांपल दुबई मूव हो गए हैं तो आपका यहाँ पे दुबई आता जो पिछले जो इन्फॉर्मेशन गई है, और बर्थ में आपका इंडियन आता, लेकिन अपना ऐसा कुछ नहीं है, अपने इंडिया में ही बड़े हुए हैं, या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी आप रहने वाले हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जहाँ भी पैदा हुए हैं वहाँ का यहाँ पे कंट्री आती है, और आपको ये तभी फिल करनी है अगर ये इंडियन से डिफरेंस है। और दोस्तों आपको जहाँ पे स्टार मार्क दिया है वही आपको फिल करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इसमें मेरा आधार कार्ड नंबर डाल रहा हूँ। अब आ गया योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आपके पासपोर्ट पे जो आपका एड्रेस दिया हुआ है वो आप इसमें डाल सकते हैं, आपका जो भी हाउस नंबर है, हाउस नंबर 1111 सेक्टर 15, ये मेरा एड्रेस आ गया। पिन कोड पूछ रहा है, मैं आपको अपना पिन कोड डाल देना है। दोस्तों आपके पासपोर्ट के पिछले वाले पेज पे सब इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ आप उसको वेरीफाई करके डालिएगा। मैंने अपना पोस्ट कोड डाल दिया है, सिटी में डाल दिया चंडीगढ़, कंट्री और टेरिटरी इंडिया, टेलीफोन नंबर, दोस्तों स्टार नहीं है, जरूरी नहीं है टेलीफोन नंबर डालना, फिर भी अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। एंटर ए टेलीफोन नंबर दैट कैन बी यूज टू कॉन्टैक्ट यू, दोस्तों आपको वो नंबर डालना है जिससे फ्रांस एम्बेसी वाले आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए, अगर आपको, अगर उनको आप पे कोई डाउट होता है। तो मैंने डाल दिया 9999 1 2 3 4 5, दोस्तों रैंडम नंबर डाला है, आपको अपना ओरिजिनल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस जो आपने उसमें, जिस अकाउंट से आपने लॉगिन बनाया है, योर इंडियन गाइड 01@gmail.com, डिटेल्स ऑफ योर, डू यू लिव इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ योर करंट नेशनलिटी, इस पे दोस्तों नो आएगा अगर आप सेम कंट्री में पैदा हुए हैं, सेम कंट्री में ही रह रहे हैं। आर यू ज्वाइनिंग और ट्रैवलिंग विद ए फ्रेंच नेशनल फैमिली मेम्बर, नो, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी फैमिली में कोई भी फ्रेंच रेजिडेंस नहीं है। डू यू ज्वाइन और ट्रैवल विद ए फैमिली मेम्बर फ्रॉम यू, नो। करंट जॉब, दोस्तों इसमें आपकी करंट जॉब डालना है कि आप कौन सी लाइन से संबंधित हैं, तो इसमें काफ़ी ऑप्शंस हैं, आर्किटेक्ट, आर्टिस्ट, बैंकर, अगर आप बैंक में काम करते हैं, अगर आप एक केमिस्ट हैं,
या आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, दोस्तों काफ़ी ऑप्शंस हैं, आप इसमें कुछ भी काम करते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या डालना है तो आप इसमें अदर चूज़ कर सकते हैं, और अदर चूज़ करने के बाद आप इसमें डाल सकते हैं कि हाँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अदर आप क्या होंगे यार, आप कहीं ना कहीं तो काम करते ही होंगे। अगर मैं अगर कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो मैंने डाल दिया कंप्यूटर इंजीनियर, मैं डाल देता हूँ कंप्यूटर इंजीनियर, चलो सेक्टर। अब इसके अंदर आ गया कि आपका सेक्टर क्या है, मैंने डाल दिया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। दोस्तों इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब एक्चुअल में है क्या। तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डाल सकते हैं, अगर आप बिल्डर हैं, बिल्डर के साथ काम करते हैं तो प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, तो एकोमोडेशन एंड कैटरिंग, अगर आप हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में हैं तो कुछ भी दोस्तों आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ, अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, चलो इसमें डाल दिया। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, आप जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का आप नाम डाल दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं टाटा कंसल्टेंसी में हूँ या मैं इन्फोसिस में हूँ, चलो मैं इन्फोसिस डाल देता हूँ। एड्रेस, जहाँ पे आप काम करते हैं जिस कंपनी में उसका एड्रेस डालना है आपको। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंगलोर में काम करता हूँ तो मैंने डाल दिया वाइट फील्ड तो स्पेलिंग गलत हो सकती है यार, इस पे ज़्यादा मत देना, लेकिन आपको आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। कंपनी का बेंगलुरु का पोस्ट कोड क्या है, जो भी है आप उस पर डाल दीजिए। बेंगलुरु का पोस्ट कोड तो मुझे भी नहीं पता क्या है, लेकिन जो भी है आप सर्च कर सकते हैं आपकी कंट्री, आपके सिटी का बेंगलुरु पिन कोड, यह आ गया 5300068, 5300068 सिटी क्या है, बेंगलुरु, कंट्री इंडिया। टेलीफोन नंबर कंपनी का, आप दोस्तों इसमें रिकमेंड करता हूँ कि आप अपनी कंपनी का या एचआर का नंबर इसमें डाल दें, ताकि अगर फ्रांस एम्बेसी वालों को कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पे आपकी कंपनी से कांटेक्ट कर पाए। तो मैं एक मेरे एचआर का नंबर डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस, एक है कंपनी का कॉन्टैक्ट एड्रेस, आप अपने एचआर का इसमें ईमेल आईडी डाल सकते हैं। दोस्तों अब मैं करूँगा नेक्स्ट। अब आ गया योर लास्ट वीज़ा। तो दोस्तों मैं इसमें ये पूछ रहा है कि आपने पिछले 5 सालों के अंदर क्या आपको कोई शेंगन वीज़ा मिला है। हैव यू रिसीव्ड ए शेंगन वीज़ा विद इन द लास्ट 5 ईयर? नो। अगर आपको पहले वीज़ा मिला है तो आप पे यस करेंगे, और आप इसमें डिटेल डालेंगे कि आपका वीज़ा वैलिड था इस तारीख से लेकर इस तारीख तक। लेकिन अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें नो लिखेंगे। हैव योर डिजिटल फिंगरप्रिंट्स प्रीवियसली बीन टेकन इन कनेक्शन विद ए प्रीवियस एप्लीकेशन विद शेंगन वीज़ा? ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अगर पहले किसी शेंगन वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो क्या आप अपने फिंगरप्रिंट दिए थे। दोस्तों आप इसमें नो करो और नेक्स्ट करो। अब आ गया योर स्टे। योर स्टे में दोस्तों आपको बताना है कि आपको कौन सी कंट्री में आप जाने वाले हैं। ये देखिए, प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर स्टे इन द शेंगन एरिया, इफ़ यू विश यू कैन सेव योर प्रोग्रेस एट एनी टाइम। यू इंडिकेटेड दैट यू विल बी ट्रेवलिंग इन द कंट्री फ्रांस, विल यू बी ट्रेवलिंग इन अदर मेंबर स्टेट्स इवन इफ ओनली फॉर ए फ्यू आवर्स? तो दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपने फ्रांस की जर्नी में, जब आप फ्रांस जा रहे हैं या आप यूरोप जा रहे हैं, तो आप क्या फ्रांस के अलावा भी और कंट्रीज में ट्रैवल करेंगे? दोस्तों आप बिल्कुल करेंगे। आप ये तो है नहीं कि सिर्फ पेरिस जाएंगे, आप बेल्जियम भी जाएंगे, आप नीदरलैंड भी जाएंगे, आप एम्स्टर्डम घूम के आएंगे, ब्रशल्स घूम के आएंगे, ब्रूक घूम के आएंगे, या जी जिस कंट्री में आप जाएंगे। अगर आपको सिर्फ फ्रांस में जाना है तो आप यहाँ पे नो, अगर आपका बेल्जियम, नीदरलैंड या स्विट्ज़रलैंड कहीं और जाने का भी प्लान है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। तो इसमें दोस्तों पूछ रहा है यूर डेस्टिनेशन मेंबर स्टेट। अब इसमें आपको बताना है कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे। जैसे मैं जा रहा हूँ बेल्जियम, तो मैंने बेल्जियम पे क्लिक कर दिया। मैं जा रहा हूँ नीदरलैंड, मैंने नीदरलैंड पे क्लिक कर दिया। मैं जा रहा हूँ स्विट्ज़रलैंड, मैंने स्विट्ज़रलैंड पे क्लिक कर दिया। और मैं शायद में इटली भी चला जाता हूँ।
तो मैंने इटली भी चला गया। तो दोस्तों ऐसे मैंने डाल दिया है कि मैं फ्रांस के अलावा और कौन कौन सी कंट्री में ट्रैवल करने वाला हूँ। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, आप कौन सी कंट्री से एंटर होने वाले हैं। दोस्तों आप फ्रांस से अप्लाई कर रहे हैं, आप पेरिस जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ्रांस पे क्लिक करेंगे। प्लान डेट ऑफ अराइवल इन शेंगेन एरिया, तो आप यूरोप कब पहुँच जाएंगे। आप दोस्तों ये जो डिटेल है ये आपकी फ़्लाइट की जर्नी से मैच होनी चाहिए। प्लान डेट ऑफ अराइवल इन शेंगेन एरिया, तो मैं डाल देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ। दोस्तों कम से कम आप 1 महीने पहले तो अप्लाई कर ही रहे होंगे, तो मैं डाल देता हूँ मैं जा रहा हूँ 15 सितंबर को। प्लान डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम शेंगेन एरिया, दोस्तों आपको शेंगेन वीज़ा के लिए आपको रिटर्न टिकट दिखानी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपकी ये डिटेल चलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 20 डेज़ के लिए जा रहे हैं, तो मैं वापस आ रहा हूँ 5 अक्टूबर को वापस। तो 5 अक्टूबर प्लान ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन नंबर ऑफ डेज, वाह मैं रहना चाहता हूँ 20 डेज़ के लिए यूरोप के अंदर। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, दोस्तों आप वन एंट्री या मल्टीपल एंट्रीज। दोस्तों मैं सजेस्ट करूँगा आप इसमें मल्टीपल एंट्रीज आप करो। रीज़न क्या है कि अगर आपका मन हो गया कि आपको क्रोएशिया जाना है या आपको सर्बिया जाना है, जो कि शेंगेन के अंदर नहीं आती है, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री का रहेगा तो आपको क्रोएशिया, बोस्निया और काफ़ी कुछ अलग कंट्रीज़ के लिए आपको वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री होगा तो। नंबर ऑफ स्टेज प्लान इन फ्रांस फॉर द कमिंग ईयर, तो दोस्तों इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि आप 20 दिन का प्लान कर रहे हैं, तो 20 दिन में से कितने दिन आप फ्रांस में रहेंगे। मैंने डाल दिया कि मैं 8 दिन फ्रांस में रहूँगा। तो दोस्तों ये जो है ये आपकी इटिनरी से मैच होना चाहिए। कहीं से अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। योर प्लान फॉर स्टेइंग, एज ए रिमाइंडर योर प्रोजेक्ट इज़ टूरिज्म एंड द मेन पर्पज़ फॉर योर स्टे इज़ टूरिज्म, प्राइवेट विजिट, अदर स्टे प्रोजेक्ट। दोस्तों कुछ नहीं करना इसमें, टूरिज्म ही करो और यहाँ पे करो नेक्स्ट। योर कॉन्टैक्ट्स, दोस्तों इसमें ये पूछ रहा है टू फाइनलाइज योर वीज़ा एप्लीकेशन प्लीज़ प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कॉन्टैक्ट इन द प्लेस ऑफ योर स्टे, होस्ट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों आपको वहाँ पे कौन होस्ट कर रहा है, ए पर्सन विल बी एकोमोडेटिंग मी, कि काइंड ऑफ आपका कोई फ्रेंड है या कोई भी है जो कि आपको वहाँ पे एकोमोडेट कर रहा है, या आप किसी कंपनी में विजिट कर रहे हैं वो आपको होस्ट कर रहे हैं, या होटल। आप दोस्तों आप ट्रैवल करने जा रहे हैं तो आप होटल में रुकेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया माई होटल, मैं होटल में रुकने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे आएगा आपके होटल का नाम। दोस्तों इसमें आपको अपने एक ही होटल का नाम डालना है। अगर आप पेरिस पहुँच रहे हैं तो आपको इसमें पेरिस में पहुँचने के बाद आप जिस भी होटल या हॉस्टल में स्टे करेंगे उसकी डिटेल यहाँ पे आएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या डिटेल आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल पे सर्च करता हूँ हॉस्टल्स इन पेरिस। दोस्तों इसमें पेरिस में जो हॉस्टल्स हैं उसके नाम आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रुकने वाला हूँ जनरेटर पेरिस में। तो दोस्तों इसमें अब है नेम ऑफ होटल, तो मैं रुकूंगा फॉर एग्ज़ाम्पल जनरेटर। दोस्तों आपको अपने इसमें होटल का नाम डालना है, आपने कोई भी होटल बुक करा है, एड्रेस के अंदर उसका एड्रेस डाल देना है होटल का। तो मैं डाल देता हूँ होटल का एड्रेस, कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने गूगल से। पोस्ट कोड क्या है, पोस्ट कोड है 75010, 75010, सिटी है पेरिस, कंट्री है फ्रांस, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी आपके उसका टेलीफोन नंबर है मेरे में दिया हुआ है ये, तो मैं ये डाल देता हूँ इसमें। ईमेल एड्रेस, दोस्तों ये अगर आपने बुकिंग करी है तो आपका जो कंफर्मेशन ईमेल आया है उस पे ईमेल एड्रेस दिया ही होगा, और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जैसे इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके होटल की उसमें जाकर आप उनका वो ईमेल एड्रेस भी ले सकते हैं। तो मैं जनरेटर हॉस्टल का फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ ईमेल एड्रेस। दोस्तों
देखते हैं, अगर मुझे मिलता है तो मैं डाल देता हूँ। एम्स्टर्डम। तो दोस्तों इसमें इन्होंने अपना मेल आईडी नहीं दिया है, कहीं और दिया होगा दोस्तों, मालूम नहीं है। लेकिन आपने अगर बुकिंग करी है तो बुकिंग का जो कंफर्मेशन ईमेल आया है उसमें ये ईमेल एड्रेस दिया ही होगा दोस्तों। तो मैं डाल देता हूँ इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों टेस्टिंग के लिए डाल रहा हूँ मैं, generator@gmail.com। फंडिंग ऑफ ट्रेवल कॉस्ट, दोस्तों आपका आपकी जो ट्रेवल है उसको कौन फंड कर रहा है? अगर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हैं, अपनी ITR लगा रहे हैं, सब कुछ आपका अपना लगा रहे हैं, तो आपका आएगा माई सेल्फ मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस। तो आप क्या क्या अफोर्ड कर रहे हैं अपने ट्रेवल में? आप एकोमोडेशन आप खुद पे कर रहे हैं, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आपके पास कैश भी होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपके पास अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर रही है, तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डालेंगे स्पेसिफाई विच में क्या है, एंटर द लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द गारंटर। यहाँ पे नाम आएगा, मतलब आपके अगर पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका फादर नेम आएगा, और वो क्या क्या पे करेंगे। तो मैं इस केस में मैं खुद ही सब कुछ स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मतलब मेरे ट्रैवल का खर्च मैं खुद उठाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने इन सब पे क्लिक कर दिया है और मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये आ गया रिकैप, अभी आपको दिखा रहा है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, और काइंड ऑफ ये सिग्नेचर है, जैसे आपका फॉर्म फिल हो जाता है सिग्नेचर आता है, तो ये है। तो आपको इस पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे चेक मार्क करके आई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर इज करेक्ट। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये दोबारा पूछ रहा है कि देख लो आपने अगर इन्फॉर्मेशन सही भरी है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा एक बार चेक कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि यस, मेरा पूरा डाटा सही है। तो दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, और अब आपको ये बता रहा है कि आपको कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेकर आपको अपॉइंटमेंट डेट पे जाना है। तो दोस्तों ये आ गया, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको अपना पासपोर्ट चाहिए, आपको आपकी आईडी फोटोग्राफ चाहिए, आपको अपना इटिनरी दिखानी है, या अगर आपको अपने बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है, आपको होटल बुकिंग लेके जानी है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेके जाना है। और आपको ये बता रहा है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस 80 यूरो है, मतलब 80 यूरो का जो करंट प्राइस होगा यूरो का इंडियन में, तो लगभग इतने रुपए के आसपास आपको फ़ीस पे करनी है जब आप ये एप्लीकेशन जमा कराने जाएंगे VFS पे। तो इस पे करते हैं कंटिन्यू दोस्तों। इसमें आ गया है मेक एन अपॉइंटमेंट एट द वीज़ा सेंटर। तो दोस्तों आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली तो आपके ईमेल के ऊपर वैसे एक ईमेल आ जाता है। मैं देखता हूँ मेरे पास आया है क्या, ये आ गया दोस्तों। तो ये दोस्तों वो ईमेल नहीं है जो मैं चेक कर रहा था, आपका एप्लीकेशन फॉर्म में चेक कर रहा था कि जो आपने भरा है। अब ये है मेक एन अपॉइंटमेंट एट द वीज़ा सेंटर, यू मस्ट गो टू द वीज़ा सेंटर टू सबमिट द फॉलोइंग एप्लीकेशन, यू विल फाइंड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मेक योर अपॉइंटमेंट ऑन द पेज, हु शुड आई कॉन्टैक्ट। तो दोस्तों ये मैं कर रहा हूँ सबमिट टू वीज़ा सेंटर। इसमें वार्निंग दिखा रहा है, द डे ऑफ योर अपॉइंटमेंट यू विल हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ विद द ऑल ओरिजिनल एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों दो जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए थे लास्ट पेज पे, वो डॉक्यूमेंट लेके आपको BFS सेंटर जाना है। योर रिक्वेस्ट इज नाउ क्लोज, यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम माय अकाउंट। तो दोस्तों इतना सा प्रोसेस है वीज़ा एप्लीकेशन भरने का, और आप देखेंगे ये देखो ये आपका पूरा फॉर्म आ गया है आपके सामने दोस्तों। आपको ये प्रिंट आउट निकलवाना है, और प्रिंट आउट लेके आपको ये सारे जो डॉक्यूमेंट इसमें बताए गए हैं आप दोबारा चेक कर सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ये सब इसमें लिखे हुए हैं। और दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए, और आपको ये डॉक्यूमेंट लेके आपको जाना है VFS सेंटर, आपको फ़ोटो भी लेके जानी है। तो दोस्तों ऐसे भरते हैं फ्रांस का एप्लीकेशन फॉर्म।
तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये मेरी वीडियो? अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो लाइक नहीं किया तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए। और उसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको VFS पे अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। थैंक यू सो मच।